अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं मॉडर्न हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया के बारे में। डिस्पेप्सिया बेसिकली जिसको आमतौर पर बदहज़मी कहा जाता है और जिसकी अलामत बहुत सारी होती हैं, जिसमें खाने के बाद पेट का फूल जाना, खट्टी डकारें आना या बार बार डकारें आना, सीने में जलन होना, मतली का महसूस होना और पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार ऑफ एंड ऑन जो है वो दर्द होना। इसके साथ जो है जो फिजिशियन होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, वो अलार्मिंग चीज़ें भी देखता है। जो अलार्मिंग सिम्टम्स होती हैं पेशेंट को, उस मरीज़ को फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें खाने का फस कर अंदर जाना है, जिसमें खाने की रुकावट कहते हैं, या ब्लैक स्टूल आना, या खुदा खासा खाने में खून आना, वजन का कम हो जाना, थोड़ा सा खाकर ऐसा लगना कि पेट भर गया है, या मुस्तकिल उल्टियाँ रहना, और या फैमिली के अंदर किसी को आँतों की या मैदे की कैंसर की बीमारी का होना। तो ये सारी अलार्म सिम्टम होती हैं जो डिस्पेप्सिया या बदहज़मी के मरीज़ों के अंदर अगर किसी भी पेशेंट को होती हैं तो उसको फ़ौरन से किसी करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, पेट के डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है इसकी वजूहात के ऊपर। अगर हम वजूहात की बात करें, डिस्पेप्सिया अल्सर की वजह से होता है और एक नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया होता है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कॉमन वजह हमारे यहाँ पर वो एच पैलोरा इन्फेक्शन होता है, जो मैदे का इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर हैं, पखाने के टेस्ट के ज़रिए या एंडोस्कोपी के टेस्ट के ज़रिए उसका पता लगाया जा सकता है। एंड फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है जिसमें कुछ वजह नहीं पता लग पाती, लेकिन वो भी एक कॉमन कंडीशन है और उसकी ट्रीटमेंट भी मोर और लेस सिमिलर होती है। उसमें कुछ दवाइयाँ आपको एडिशनली देनी पड़ती हैं ब्रेन को सुकून में लाने के लिए। जो वजह है एच पैलोरा, उसके लिए 10 से 14 दिन की दवाइयों का कोर्स होता है, वो हम करते हैं। कुछ लोगों को पित्त में पथरी की वजह से भी डिस्पेप्सिया होता है, कुछ लोगों के अंदर खुदा ना खास्ता परेशानी वाली बात जैसे स्टमक का कैंसर या लोअर इसोफेजियल जो फूड पाइप का लोअर फूड पाइप कैंसर है वो, या छोटी आंत के पहले हिस्से का कैंसर, ये सारी कैंसर भी अलामत होती हैं। लेकिन इसमें वही सारी चीज़ें जो हमें अलामती सिम्टम जो हमने बात की थी, किसी को अगर अलार्मिंग चीज़ें आ रही हैं साथ में, तो वो हमें हमेशा से दिमाग में रखनी चाहिए और बतानी चाहिए मरीज़ों को। इसके अलावा जो है वो अपने इसको हम सही किस तरह करें, जो लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन है उसमें आप अपना वज़न जो है उसको कंट्रोल में करें। अगर बढ़ा हुआ है आप खाने को कम करें, क्वांटिटी में दिन में 5-6 दफ़ा खा लें, रात को खाने और सोने के बीच में 3-4 घंटे का वक्फा रखें, रात को सोते हुए अपने हेड एंड को ऊंचा रखें, 2 तकिए लगाएं, और टाइट क्लॉथिंग ना हो, स्पाइसी मील या ऑयली मील जो है उसको उससे इज्तनाब करें। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको स्ट्रेस जो है उससे कोशिश करें कि स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो भी डिस्पेप्सिया का बाइस बनती है। स्मोकिंग जो है वो क्विट करें जितना अर्लीस्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्मोकिंग जो है वो भी कैंसर करवाती है, स्टमक कैंसर या एसोफेजियल कैंसर तो, और डिस्पेप्सिया भी करवाती है ज़ाहिर है। तो कॉमन बीमारी है, इजी आसान इलाज है दवाइयों के ज़रिए भी, लाइफस्टाइल के ज़रिए भी। तो जब भी इस तरह की अलामत अगर आपको मुस्तकिल रहती हैं, या आपकी उम्र अगर 45 से अबाव है और आपको अचानक से इस तरह की अलामत होना शुरू हुई हैं, तो फ़ौरन से, और सारी अलामत जो मैंने बताई अलार्मिंग है, अगर ये सब कुछ है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेरे जिगर के आंतों के डॉक्टर जो हैं उनसे रुजू करें। इतना, और अपने गिर्द नवा के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।